हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के पिरामिड के बारे में। मिस्र के पिरामिड न सिर्फ इतिहास की कहानी बयां करते हैं, बल्कि इनसे जुड़े इतने रहस्य हैं कि आज भी इनसे जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार गीजा के पिरामिड आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन 45,000 किलो तक था। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का वजन ही उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। वैसे तो मिस्र की सभ्यता अपने आप में ही एक रहस्य है, लेकिन जितनी जिज्ञासा और दिलचस्पी सम्राट तूतनखामेन के मकबरे को लेकर देखी जा सकती है, वह किसी और के लिए नहीं दिखती। जब सम्राट के मकबरे को तलाश किया गया था, तो उनके मम्मी के पास से सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े आभूषण पाए गए थे। उनका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। रिसर्च से जाना जाता है कि तूतनखामेन मात्र 9 साल की उम्र में सम्राट बने थे और 19 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। तूतनखामेन की मौत मलेरिया की वजह से हुई थी। 1922 तक तूतनखामेन का मकबरा सुरक्षित रहा था। हार्वर्ड नामक पुरातत्वविद को पूरा विश्वास था कि राजा तूत का मकबरा कहीं सुरक्षित है, इसलिए वह अपने कारवां के साथ राजाओं की घाटी पहुंचे। कई वर्ष की खोज के बाद उन्होंने मकबरा तो खोज निकाला, लेकिन कहते हैं उस पर अभिशाप लिखा था, राजा की शांति भंग करने वाले की मौत हो जाएगी। इसमें कितना सच था कितना झूठ यह तो नहीं पता, किंतु कहते हैं कि खोजी दल के सदस्य स्वाभाविक और अस्वाभाविक कारणों से मारे गए। मकबरे पर अभी तक कोई अभिशाप लिखा नहीं मिला। बस यही माना जाता है कि मम्मी के श्राप से ही उन लोगों की जान गई। वहां सचमुच कुछ लिखा था या अंधविश्वास था यह कोई नहीं जानता, लेकिन 1986 में फ्रांसीसी रिसर्चर कैरोलिन स्टैंडफ्लिप ने इसका एक वैज्ञानिक कारण देने की कोशिश की। कैरोलिन ने अपनी खोज में पाया कि प्राचीन काल में जिस लेप से तूतनखामेन की कब्र को सील करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, वह वक्त के साथ सड़ चुके थे। उनमें बीमारी फैलाने वाले फंगस पैदा हो गए थे, और शायद यही कारण है कि तूतनखामेन के मकबरे में प्रवेश करने वाले बहुत से लोगों की मौत जानलेवा बीमारी से हुई। लेकिन खुद हार्वर्ड कार्टर 60 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते रहे। जो भी हो, पिरामिड का रहस्य शायद हमारे बीच एक रहस्य ही रहेगा। सालों से वैज्ञानिक इन पिरामिड का रहस्य जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। मिस्र का पिरामिड अपने आप में ही एक ऐसी पहेली है जिसकी हर परत को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही नए फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स के साथ।